नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 7, पाठ 6, सामान्य चेतना। बच्चों, आओ आज हम आपको सामान्य चेतना के बारे में बताएंगे। आप जानते हैं यह सामान्य चेतना क्या है? सामान्य चेतना का मतलब है जो बातें हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, जैसे मानवाधिकार, जिसमें व्यक्तियों को जन्म से शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता आदि अधिकार प्राप्त हैं। हम इन अधिकारों का प्रयोग कर समाज में फैले बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे अन्य बुराइयों को समाप्त कर अपने समाज को अच्छा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यह कभी नहीं भूलने वाली बातें हैं बच्चों। बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं मानव अधिकार के बारे में। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो जीने और सामान्य मानव अस्तित्व के लिए मौलिक अधिकार हैं, या इस अवधारणा पर आधारित हैं कि प्रत्येक स्त्री और पुरुष, चाहे उसकी जाति, पंथ, रंग, प्रजाति और राष्ट्रीयता कुछ भी हो, वह कुछ मौलिक अधिकारों जैसे जीने के अधिकार, अभिव्यक्ति यानी कि हमको बोलने की आज़ादी, स्वतंत्रता, न्याय आदि के साथ पैदा होता है। इसलिए यह अधिकार देशों के संविधान में उल्लेखित हैं। बच्चों, दुनिया में जितने भी देश हैं वे इन मौलिक अधिकारों को बनाए रखें और उनका पालन करें, इसलिए इसे सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने स्थापना के कुछ ही समय के बाद मानवाधिकार को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र में स्वीकृत कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को स्वीकृत मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में मनुष्यों के कुछ मूलभूत अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया था। बच्चों, सार्वभौम का अर्थ यहाँ सभी देशों के नेताओं के मध्य मानवाधिकार की घोषणा करने से है। बच्चों, यह अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा, अभिव्यक्ति जिसको हम बोलने की आज़ादी भी कह सकते हैं, न्याय प्रतिकार, आने जाने की आज़ादी, देश के प्रशासन में भाग लेने के अधिकार आदि से संबंधित है। दूसरे प्रकार के अधिकार आर्थिक और सामाजिक अधिकार हैं। बच्चों, ये अधिकार हैं काम का अधिकार, सम्मान के साथ जीने का अधिकार, आराम और फुर्सत का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन यानी कि समानता का अधिकार, मानव अधिकारों की रक्षा और देखभाल करना सरकार का मौलिक कर्तव्य है। बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व निगरानी एजेंसियां इन मौलिक अधिकारों से संबंधित कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यानी कि मानव अधिकार से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार हैं और इसी तरीके की और भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व कुछ निगरानी एजेंसियां भी हैं। सभी देशों को, विशेष रूप से लोकतांत्रिक देशों के दिशा में एकजुट होकर आवश्यक आग्रह परक काम करना चाहिए। मतलब बच्चों, सभी देशों को एक साथ एकजुट होकर के इस पर कुछ कड़े नियम बनाने चाहिए और इसे लागू करवाना चाहिए, और यहाँ तक कि ऐसी कोई बाध्य कार्यवाही करनी चाहिए ताकि दुनिया भर के देश, संस्थाएं, लोग इन मौलिक अधिकारों के अनुपालन को सुनिश्चित कर सकें। यानी कि अगर सभी देश एकजुट होकर के क्या करें, इनमें कुछ कड़े नियम बनाएं, तो सभी लोगों को इस नियम का पालन करना
ज़रूरी हो जाए। बच्चों, अब हम जानते हैं बाल विवाह के बारे में। यह भी सामान्य चेतना के अंतर्गत आता है। हमारे देश में विवाह करने की कम से कम उम्र लड़के के लिए 21 वर्ष तथा लड़की के लिए 18 वर्ष है। सरकार के हिसाब से इस उम्र में बच्चों की मानसिक दशा ऐसी होती है कि वह विवाह को समझ सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को ठीक ढंग से निभा सकते हैं। इसलिए हमारे देश में विवाह की कम से कम उम्र इतनी रखी गई है। लेकिन अगर लड़के और लड़की की आयु इससे कम होती है जो सरकार ने तय की है और उनकी शादी बच्चों के माता पिता की सहमति से होती है और उसमें यदि बच्चों की सहमति भी हो तो वह मायने नहीं रखती और उसे ही बाल विवाह कहते हैं। बच्चों, हमारे देश में अधिकतर जनसंख्या गांव में रहने वाली है, जिसे हम ग्रामीण क्षेत्र भी कह सकते हैं। वहां पर बाल विवाह का प्रचलन बहुत अधिक था। बाल विवाह की बढ़ती हुई तादाद को देखकर भारत सरकार ने इसके लिए कानून बना दिया, जिसके तहत लड़के और लड़की के बीच जो विवाह है उसकी निर्धारित उम्र तय कर दी गई। यह निर्धारित उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष तय की गई। लेकिन इस निर्धारित उम्र से बाल विवाह में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए बाद में इस अधिनियम में विवाह के लिए निर्धारित उम्र का संशोधन कर दिया गया, यानी कि इस उम्र को क्या किया गया, बदल दिया गया, जो कि लड़के के लिए विवाह की उम्र 21 वर्ष रखी गई और फिर लड़की की उम्र 18 वर्ष रखी गई। इस अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, बाल विवाह प्रतिबंध लगाने के लिए राजा राम मोहन राय केशव चंद्र ने ब्रिटिश सरकार में एक बिल पेश किया था। यह बिल बाल विवाह के खिलाफ था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य था कि बाल विवाह पर रोक लगाना। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1954 में एक बिल पास कराया गया, जिसको विशेष विवाह अधिनियम 1954 के नाम से जाना जाता है। अगर कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति 18 वर्ष की कम आयु की लड़की से विवाह करता है, जो कि कानूनन एक अपराध होता है, इस बिल के अनुसार ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को कानून द्वारा दंडित किया जाएगा, ऐसा इस बिल में निर्धारित किया गया, जिसमें अपराधी को 2 साल की सजा भी दी जाती है और उसके साथ 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके अलावा बाल विवाह करने वाले व्यक्ति या फिर करवाने वाले व्यक्ति या उसमें मदद करने वाले व्यक्तियों को भी सजा दी जाती है, जिनकी सजा 2 साल और जुर्माना 1,00,000 तक लगाया जा सकता है। बच्चों, अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह को बढ़ावा देता है, बाल विवाह की अनुमति देता है या फिर बाल विवाह में शामिल भी हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी दंडित किया जाता है। बच्चों, उम्मीद है अब आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सामान्य चेतना, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा मानवाधिकार के बारे में और बाल विवाह के बारे में, तो चलिए लिखिए अब कुछ गृह कार्य के प्रश्न। प्रश्न 1, कम उम्र में विवाह करना दंडनीय अपराध क्यों है? प्रश्न 2, कोई 5 मानव अधिकार लिखिए। प्रश्न 3, बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, इसे दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? बच्चों, बाल विवाह जो कि एक सामाजिक बुराई है, इस अध्याय में मैंने आपको बताया है
इसको दूर करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं या आप क्या क्या प्रयास करेंगे, इसके बारे में आप खुद से लिखिएगा। प्रश्न चार, बालक एवं बालिका के साथ समान व्यवहार किया जाए इस पर एक परिवार के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। इसका उत्तर भी आप अपने शब्दों में सोच करके लिखिएगा। इसका उत्तर आप अपने शब्दों में सोच करके लिखिएगा। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।